मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ते लिखते होंगे। ठीक है, तो हम इस समय रीजनिंग में इस समय पढ़ रहे हैं डायरेक्शन, दिशा। तो हमने डायरेक्शन का दो लेक्चर यूट्यूब पे हमने डाल दिया, आज उसका तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखेंगे हम इसको। हमने बताया है कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सबसे पहले लिख लीजिए डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने बताया कि चार डायरेक्शन होती हैं, ठीक, कितने डायरेक्शन होती हैं, चार डायरेक्शन होती हैं। तो आप पूछोगे कौन कौन, तो हम कहेंगे पूरब, फिर कहेंगे पश्चिम, फिर आप फिर बताएंगे उत्तर सबसे ऊपर होता है और फिर नीचे क्या रहता है, दक्षिण रहता है, ठीक है। हमने आपसे यह भी बताया है कि इसके चार सब डायरेक्शंस भी होते हैं, अर्थात उप दिशाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? उप दिशाएं होती हैं। देखिए ये हो गई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो और बढ़ गई और दो कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चार उप दिशाएं हो जाएंगी। अब देखिए ये दक्षिण पूरब के बीच में है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ये हमारा किसके बीच में है, उत्तर पूरब के बीच में है तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। अब ये क्या है, पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। चलिए, और ये देखिए हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो हमारा इसे क्या बोल देंगे, हम दक्षिण और पश्चिम बोल देंगे। ये हमारी हो गई दिशाएं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये मीटर पर आधारित सवाल है। इसके पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दो लेक्चर में हमने पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है, वो दिशाओं पे आधारित थी और उस डिग्री पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, डिग्री पर आधारित थी, ठीक है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, दूरी पर आधारित हम प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति कितना मीटर गया, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, इस पर आधारित हम क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति है जो कहां जा रहा है, उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाई ओर, यहां पे एक शब्द आया है दाई ओर, क्या आया है, दाई ओर, ठीक है, मुड़ता है, ठीक है, कहां जाता है, 100 उत्तर की ओर जाता है और 150 मीटर चलने के बाद वह दाई ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है, तो दाई ओर मुड़ता है। दाई का मतलब हमारा हो गया राइट, क्या हो गया, राइट, जिसे हमने बोला दायां, ठीक है, दायां कहो या दाई कहो, ठीक। फिर कह रहा है वो 80 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर कहां मुड़ता है, वो दाएं ही मुड़ता है, एक बार फिर दाएं का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन आगे बढ़े, कह रहा है कि और फिर 90 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाई ओर मुड़ता है, एक बार फिर वो कहां मुड़ता है, दाई ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में दाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, ठीक है, फिर अंत में वह कहां मुड़ता है, बाई ओर, अंत में कहां मुड़ता है, बाई ओर मुड़ता है, और मुड़ता का कितना दूर जाता है, 40 मीटर जाता है। तो बताइए व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में, इसने किसकी बात की गई है लास्ट में, बाया की अर्थात लेफ्ट की। तो लेफ्ट हमारा क्या होता है, लेफ्ट, लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बाया या बाया, ठीक, बाया, जिसे आप चाहे दाया को दाई कहो या बाया को बाई कहो, ठीक। ये हो गया। तो इस दिन हमने जो इसके पहले जो वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला था, ठीक है, उस पे हमने क्या किया था, राइट और लेफ्ट का जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, उसमें हमने क्या कहा था कि अगर डायरेक्शन में आर और रियल आता है, राइट और लेफ्ट आता है, ठीक है, इसमें आप चाहो तो फिगर बना के आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, या आप दायां बाएं से आप क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक में लगा सकते हो। तो हमें जब पता है कि दायां बाएं से हमारा क्वेश्चन लग जा रहा है तो हमें खूब बड़ा करने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। देखिए अगर यहां पे अगर दो व्यक्ति की बात होती तब तो हमें क्या करना पड़ता, डायग्राम बनाना पड़ता। इस क्वेश्चन में अगर दो व्यक्तियों की जिक्र किया जाता, दो व्यक्तियों के बारे में बात किया जाता,
तो हमें क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा में जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने बताया आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कितनी बार गया है 150 मीटर चलने के बाद, वह पहली बार कहां आता है, दाईं ओर जाता है, इसको आप लिख दीजिए दाईं ओर, ठीक। अब कह रहा है कि वह 80 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, एक बार फिर कहां मुड़ता है, वो दाएं मुड़ता है। आप इस तरह कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए कॉलम बना के, एक तरफ लिख दीजिए राइट, एक तरफ लिख दीजिए लेफ्ट, इससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अगर मैं नीचे लिखते चलाऊंगा तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए यही आपके लिए सही है। एक तरफ राइट लिखिए, एक तरफ लेफ्ट लिखिए, एक तरफ दाया एक तरफ बाया, ठीक। दूसरी बार उसने क्या कहता है कि वह फिर वह दाया मुड़ता है, 80 मीटर चलने के बाद वह दाया मुड़ता है, ठीक है, यह हो गया। अब आगे कह रहा है कि और 90 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाई ओर मुड़कर, पहले वह दाया मुड़ता है तो कितना चलता है, वो 90 मीटर चलता है तो कहां मुड़ता है, वो दाएं मुड़ता है। दोबारा तीसरी बार वो कहां मुड़ा, दाएं मुड़ा, ठीक। फिर कह रहा है कि वह पुनः दाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है, फिर अंत में क्या कह रहा है कि वह बाई ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में यानी कि एक बार वो क्या कह रहा है कि वह लेफ्ट की ओर भी जाता है, अर्थात बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो बताइए व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में रहेगा, ठीक। तो देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए एक ईयर, यहाँ पे एक लेफ्ट है एक राइट है, तो हमें पता है कि राइट का जो हमारा अपोजिट होता है वो लेफ्ट होता है, और लेफ्ट का अपोजिट हमारा राइट होता है। तो यहाँ पे आर, एक आर है एक ईयर है, तो हमने आपसे क्या पता है कि इसमें एक आर है अर्थात एक राइट है और इधर एक लेफ्ट है, तो आर का अपोजिट एल होता है, अर्थात हमारा जो राइट होता है उसका अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट होता है, और लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो हमारा एक इधर एल है और इधर एक आर से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा दो आर दिया हुआ है अर्थात इसका मतलब हो गया 2R, इसको हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया 2R, और इधर हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति किस ओर जा रहा था, तो व्यक्ति जा रहा था उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा था। अब हमने आपसे यह भी बताया था कि आर हो या लेफ्ट हो, आर लिखा हो या एल लिखा हो, तो उसका मतलब है कि चाहे जो भी होगा, ठीक है, वो हमेशा कितनी डिग्री में घूमेगा, वो 90 डिग्री में घूमेगा, किसमें घूमेगा, 90 डिग्री में घूमेगा। चाहे वो एक एल लिखा होगा तो बाएं की तरफ जाएगा, वामावर्त में जाएगा 90 डिग्री, अगर वो दाहिना जाएगा तो भी वो 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। अगर एक आर है तो 90 डिग्री, अगर दो आर है तो 180 डिग्री, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर कितना बचा है, 2R लिखा हुआ है, तो 2R का मतलब हमारा हो गया 2 बार 90, वो भी एक उत्तर की ओर जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसने दो बार दाया मुड़ा तो एक बार दाया मुड़ने पर वह पूरा पहुंचा, और अगर दूसरी बार वो जाता है मुड़ता है तो कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है दक्षिण की ओर, वो कहां पहुंच जाता है, वह व्यक्ति पहुंच जाता है दक्षिण की ओर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई ना कि अगर आर होगा तो, अगर एक आर लिखा है तो एक बार 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है, आर का मतलब राइट हो रहा है तो हमें दक्षिणावर्त जाना होगा अर्थात क्लॉकवाइज जाना होगा, इधर से इधर हम गए तो कहां गए हैं, क्लॉकवाइज गए। अगर यहां पर एल लिखा होता आर नहीं होता तो हमें कहां जाना होता, बाया जाना होता, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में जाना होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देखिए हमने इस क्वेश्चन को रफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, देखिए आप इस बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरब, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरब, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पूरब, और यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, ठीक, पूरा लिख लीजिए उत्तर, ठीक, और यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, इतना लिखा लीजिए उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ठीक है। अगर अगर आपको दे दिया कि यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, ठीक है, इतना आपको दे दिया जाए, और लास्ट में पूछ ले कि यहाँ पर कौन सी दिशा आएगी, ठीक है,
यहाँ पे मान लीजिए एल लिखा है, आर लिखा है, आर लिखा है, एल लिखा है, एल लिखा है, आर लिखा है, एल लिखा है, आर लिखा है, ठीक ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, और लास्ट में यहाँ पे लिखा है यल, यहाँ पे लिखा है यल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा दिशा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, फिर राइट यल दिया, लेफ्ट दिया है, फिर लेफ्ट दिया है, फिर राइट दिया है, फिर राइट दिया है, फिर लेफ्ट दिया है, फिर लेफ्ट दिया है, फिर राइट दिया है, फिर राइट दिया है, और लास्ट में पूछ रहा है कि आप बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मतलब कौन सी दिशा में ये जा रहा है व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे अगर व्यक्ति उत्तर से चल रहा है, सॉरी पूरब की ओर से चल रहा है, तो यहाँ पे यल लिखा है, यल लिखा, आर लिखा, आर लिखा, आर लिखा, फिर लेफ्ट लिखा, फिर लेफ्ट लिखा, फिर राइट लिखा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने फिर लेफ्ट लिख दिया एक बार। उसके बाद मैं पूछ रहा, अगर पूछ रहा है यहाँ पर लिख लीजिए पश्चिम, यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम, पश्चिम की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार यल लिखा है, एक बार आर लिखा है, तो बताइए, और यहाँ पे एक बार और यल लिख दिया, तो बताइए व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास चार क्वेश्चन है, एक उत्तर की ओर जा रहा है, फिर पूरब की, फिर उत्तर की, फिर पूरब की ओर जा रहा है, यह क्वेश्चन आपके पास चार दिया हुआ है, तो इसे बताइए कि एक जो व्यक्ति जा रहा है उत्तर की ओर, वो अब किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले, तो समझते हैं। तो देखिए, हमने कहा है पहले आर गिनिए, देखिए एक आर, एक आर, दो आर, एक तीन आर, एक चार आर है, यहाँ पे कितना लेफ्ट है, एक ही लेफ्ट है, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट है, तो एक आर से एक आर, एक आर से सॉरी एक आर से एक लेफ्ट, फिर दूसरे आर से दूसरा लेफ्ट, एक आर से फिर एक लेफ्ट, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, एक आर बचा, एक आर क्या बचा, एक आर बचा। तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन बना लेते हैं हम, पूरब पश्चिम, फिर ऊपर की ओर उत्तर, फिर नीचे की ओर हमारा दक्षिण है, ठीक है। हमें इसमें उपदिशा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ उत्तर पूरब दिया हुआ है, ठीक है, चार क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है सब दिशाओं की, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि एक आर हमारे पास बचा है, ठीक है, एक आर का मतलब हो गया एक बार राइट जाना है, तो एक बार जाना है, व्यक्ति कहाँ पे है, उत्तर की ओर है, और जाना हमें कितनी बार है, किस तरफ जाना है, राइट तरफ जाना है, अर्थात क्लॉकवाइज में जाना है, ठीक है। तो आर, आर का मतलब राइट, तो राइट का मतलब हमारा होता है एक बार नब्बे, तो एक बार हमने नब्बे घुमा दिया, अगर नब्बे एक बार घुमा दिया तो किस दिशा में घुमाया हमने, क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में हमने 90 डिग्री घुमा दिया, तो हमारा वो जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वो क्या आ गया, तो आपको हो गया पूरब आ गया, ठीक, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया पूरब आ गया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए लेफ्ट लिखा या आर लिखा हुआ है, ठीक है, एक लेफ्ट से एक आर कैंसिल, एक आर से एक लेफ्ट कैंसिल, एक एल से एक आर कैंसिल, ठीक है, एक एल से एक आर कैंसिल, अब यहाँ पे लास्ट में बच जाता है दो एल, अर्थात यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, टू एल बन जाता है, टू एल मतलब दो बार लेफ्ट घूमना है, ठीक है, दो बार हमें यहाँ से लेफ्ट घूमना है। व्यक्ति कहाँ खड़ा है, पूरब खड़ा है, यहाँ पे मान लो व्यक्त है, ठीक है, ये तो हो गया इसको, ठीक है, यहाँ पे मान लो पूरब है, यहाँ पे हमारा व्यक्ति क्या है, खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा व्यक्ति खड़ा है, तो हमें जाना किधर है, दो बार लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाने का मतलब होगा एक बार लेफ्ट गया तो उत्तर की ओर आया, और जब दूसरी बार लेफ्ट आया तो हम कहाँ पहुंच गए, पश्चिम की ओर पहुंच गए, और जा किस तरफ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम दो बार लेफ्ट घूमेंगे तो हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं, पश्चिम की ओर, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है, पश्चिम ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर दो बार लेफ्ट बचता है तो हम पूरब से चल के कहाँ पहुंच जाते हैं, पश्चिम की ओर पहुंच जाते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरब का जो विपरीत होता है वो होता है पश्चिम होता है, और देखिए ये पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 में हमने दो बार घुमा, दो बार राइट गया, अर्थात दो, एक आर का मतलब हो गया 90, तो 9 दुनी 18, अर्थात 100 डिग्री, 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर टू आर कह रहा है या टू लेफ्ट कह रहा है, अगर पूरब दिशा दिया हुआ है तो हमें खुद समझ जाना चाहिए, ठीक है, कि हम अगर पूरब दिया हो तो उसका विपरीत 180 के बाद क्या आता है, पश्चिम आ जाता है, अगर उत्तर दिया होगा तो उसके विपरीत क्या होता है, दक्षिण आ जाता है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पश्चिम आ गया, ठीक। अब चलिए आगे और देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिर आर दिया हुआ है, आर यल दिया ऊपर, फिर आर दिया, देखा एक एल से एक आर कैंसिल, दो यल दिया हुआ है, फिर दो आर कैंसिल हो गया, दो आर भी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे दो यल दिया हुआ है, यहाँ पे दो यल दिया है,
यहाँ पे अगर दो आठ दिया या दो आठ दिया तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक दो तीन चार पांच आ रहे, एक दो तीन चार पांच एल है। अगर आप देखिए यहाँ पे देखिए एल से एल पूरा कैंसिल हो गया और आर से आर पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, व्यक्ति जा कहाँ रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था। ठीक, व्यक्ति जा रहा था उत्तर की ओर और जाना था उसे, जितने बार एल दिया था जितने बार आर दिया था सब कट गया, उसमें सब कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, जीरो बचा। यहाँ पर बचा क्या, जीरो। तो जीरो का मतलब अगर जो व्यक्ति है वो जहां से चलना प्रारंभ किया था वहीं पर पहुंच गया, अर्थात वो उसी दिशा में पहुंच गया, अर्थात उत्तर दिशा में। उसका जो आंसर होगा वो उत्तर दिशा ही होगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर दिया हुआ पश्चिम, बीच में इसने क्या कर दिया, पश्चिम। व्यक्ति चलता है पूर्व में फिर लास्ट में पहुंच जाता है पश्चिम। ठीक है, अब कह रहा है पश्चिम से फिर चलता है लेफ्ट की ओर, एक बार चलता है राइट की ओर, फिर चलता है लेफ्ट की ओर। अब देखिए अगर जब यहाँ पे बीच में पश्चिम दे दिया, कह रहा है कि अगर यहाँ पे बीच में पश्चिम दे दिया है और उसके ऊपर देखिए अगर जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और बीच में अगर कोई दिशा दे दिया जाता है, तो अगर इसके ऊपर अर्थात पश्चिम के ऊपर अगर कोई भी जितने भी लेफ्ट जितने भी राइट लिखे हैं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इससे एल से एल कट गया, आर से आर कट गया, आर से एल कट गया, लास्ट में एक एल बच गया, उसको भी हम इसमें करेंगे, तो ऐसा हमें अब नहीं करना है। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब होगा वो इससे नीचे का मतलब होगा। पश्चिम से नीचे पश्चिम दिशा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो चलना प्रारंभ करता है, एक बार लेफ्ट जाता है एक बार राइट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट का विपरीत हमेशा राइट रहता है और राइट का विपरीत हमेशा लेफ्ट रहता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कितना बचा, एल बचा, एल हमारा एक बार है, अर्थात व्यक्ति को एक बार लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी का विपरीत दिशा, और घड़ी का जो विपरीत दिशा होता है वो होता है, तो घड़ी का विपरीत दिशा पश्चिम से हमें जाना है, एक बार लेफ्ट, लेफ्ट इधर का होता है ना, लेफ्ट इधर का होता है और राइट इधर हो जाएगा। ठीक, तो एक बार लेफ्ट जाता है तो पश्चिम से अगर दक्षिण की ओर जाएगा तो लास्ट में कहां पहुंच जाता है, दक्षिण में पहुंच जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या बताया आपसे कि इसका मतलब ये है कि आपको अगर लेफ्ट दिया है राइट दिया है, अगर कॉमन है दोनों जगह पे, अगर कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट से आर कैंसिल हो गया, अपोजिट है एल से एक आर कैंसिल हो गया, फिर एक एल से फिर एक आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये है कि जितनी बार एल दिया है अगर उसके बाद राइट भी दिया है तो एल से लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा, एक बार अगर दो बार दिया तो दो बार राइट दो बार लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसका हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, और हमने यह भी बताया है कि एक आर्क का मतलब अगर लेफ्ट जाना है तो हमें 90 डिग्री जाना होगा, अगर राइट जाना हो तभी हमें 90 डिग्री ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 360 होता है, और जो इसके अगर कट मार देते हैं बीच में सब दिशाएं अगर लिख देते हैं तो उसका जो होता है बीच का 45 होता है, 45 टोटल 90 हो जाता है। ठीक, और चारों मिलाकर क्या होते हैं, आठों दिशाएं मिलाकर होती है 360 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया अगर हम ऊपर से नीचे की ओर दिया है, ये सीधा क्वेश्चन अगर दिया हुआ तो इस तरह का हो जाएगा राजीव। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन उल्टा दिया होगा तो क्या करोगे आप, उल्टा क्वेश्चन दिया हो जैसे मान लीजिए नीचे दे रहा है कि दे रहा है कि दक्षिण से जा रहा है, कोई व्यक्ति दक्षिण से जा रहा है, एक बार लेफ्ट गया एक बार राइट गया एक बार लेफ्ट गया एक बार लेफ्ट गया एक बार लेफ्ट गया फिर आर गया फिर लेफ्ट चला गया फिर राइट गया फिर राइट गया लास्ट में लेफ्ट गया, तो बताइए कि इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसकी दिशा पूछ रही है। ठीक है, देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था, यहाँ पे सब ऊपर से नीचे की ओर दिया होता, ऊपर से नीचे की ओर दिया होता, लेकिन अब कह रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, हमें लास्ट में जहां वो व्यक्ति पहुंचता है उसकी दिशा बतानी है। ठीक, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे था कि जो हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ जाते जो दिशा मिलता था उसे लिख देते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, देखिए और सेम चीज उसी प्रकार रहेगी। ठीक है, सेम चीज उसी प्रकार रहेगी, जैसे यहाँ पे देखिए एक यल से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया, अब बचता क्या है, एक यल और एक यल, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, टू यल हो जाएगा। अब देखिए अगर जब सीधा क्वेश्चन होता था तो हम टू यल को क्या करते थे, दो बार लेफ्ट में हम घुमा देते थे, दो बार लेफ्ट में घुमा देते थे, अर्थात 180 डिग्री हम घुमा देते थे।
ठीक है। यहाँ पे देखिए व्यक्ति चल किस तरफ रहा है, दक्षिण तरफ, अर्थात व्यक्ति दक्षिण की तरफ चल रहा है, ठीक है। और कह रहा है दो बार लेफ्ट जाना है, और क्वेश्चन हमारा दिया है विपरीत अर्थात उल्टा दिया हुआ है। जब उल्टा क्वेश्चन दिया रहता है इस तरह का दिशा परिवर्तन में, जब उल्टा का क्वेश्चन दिया रहता है लेफ्ट राइट में, जब उल्टा क्वेश्चन दिया रहता है तब हम क्या करते हैं उसका विपरीत कर देते हैं, उसका विपरीत कर देते हैं, उसका विपरीत कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम इसका विपरीत करेंगे, क्या करेंगे 2L है तो 2L का विपरीत क्या होता है अर्थात लेफ्ट का विपरीत क्या होता है राइट होता है, राइट कर देते हैं। अब जो व्यक्ति जिसे लेफ्ट में घुमाना था उसे हम क्या करेंगे राइट में घुमाएंगे, जिसे लेफ्ट में घुमाना था उसे हम राइट में घुमाएंगे। तो व्यक्ति किधर की ओर था, दक्षिण की ओर था, अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम घड़ी की दिशा में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक। तो घड़ी की दिशा यही तो है, ठीक है, घड़ी की दिशा यही तो है ना। तो अब देखिए हमारा व्यक्ति था दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर था, हमें जाना है दो बार राइट, एक बार राइट गया तो हमारा क्या पहुंच गया पश्चिम की ओर, अगर मैं दूसरी बार जाता हूँ राइट तो हमारा कहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, ये हमारा कौन सा क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉकवाइज में जा रहा है। अगर दो बार राइट गया तो इसका मतलब होगा 180 डिग्री, और हमने बताया है कि दक्षिण का हमेशा विपरीत क्या होता है उत्तर होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिला, क्या समझ में आया, तो इससे हमें यह समझ में आया कि अगर हमारा क्वेश्चन सीधा दिया हुआ है, इससे हमारा यह समझ में दिया हुआ है कि अगर हमारा क्वेश्चन सीधा दिया हुआ है और लेफ्ट राइट का क्वेश्चन है, ठीक है, दाया बाया का हमारा क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन हमारा सीधा दिया हुआ है तो अगर हमारे चाहे लेफ्ट एक बार बचे या दो बार बचे या चार बार बचे या तीन बार बचे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लेफ्ट रहेगा तो हमें एक बार लेफ्ट घुमाना है, और अगर राइट रहेगा तो एक बार हमें राइट घुमाना है, ठीक है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है आपका अगर उल्टा क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें आपको दिक्कत होती है, अगर उल्टा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसमें दिक्कत यह होती है कि देखिए बाकी चीज तो सेम रहेगा कि लेफ्ट से लेफ्ट आर से आर कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसमें यह रहेगा कि अगर मान लीजिए हमने इसको काटने के बाद हमारा 2L बचा था, दो बार लेफ्ट बचा, हमारा दो बार क्या बचा लेफ्ट बचा, ठीक है, अगर दो बार हमारा लेफ्ट बचा है तो हम इसका क्या कर देंगे विपरीत कर देंगे, इस लेफ्ट को हम राइट बना देंगे, अर्थात जो हमने बताया कि लेफ्ट का विपरीत हमेशा राइट होता है, तो इस 2L को हम क्या कर देंगे टू राइट कर देंगे, बस इसी यही इतना हमें क्या करना है इस उल्टे क्वेश्चन में, ठीक है, हमें क्या करना है अगर लेफ्ट दिया हुआ है तो अगर हम राइट कर देंगे, अगर राइट दिया होगा तो लेफ्ट कर देंगे अर्थात उसका विपरीत कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दो बार राइट घुमाना था, हमने दो बार घुमा दिया और हमारा आंसर आ गया उत्तर, ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए पढ़िए और इसको सॉल्व करके बताइए, आपके पास 40 सेकंड है, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे उसके डायरेक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे होता है पूरब, यहाँ पे होता है पश्चिम, सबसे ऊपर होता है उत्तर और सबसे नीचे होता है दक्षिण, ठीक है, ये हो गई चार दिशाएं। और इसमें क्या होती है चार उपदिशाएं होती हैं, क्या होती हैं चार उपदिशाएं भी होती हैं, चार उपदिशाएं भी होती हैं, दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम सॉरी उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो गई आपकी चार दिशाएं और चार उपदिशाएं हो गई। अब क्या करेंगे हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति है जो पता नहीं है कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 120 चलने के बाद वह क्या करता है अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 120 मीटर चलने के बाद वो कहां मुड़ता है दाईं ओर मुड़ता है, एक ही हमने बताया कि दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है।
फिर कह रहा है कि 60 मीटर चलता है और इसके बाद वह बाई ओर फिर मुड़ता है, क्या मुड़ता है, बाई ओर मुड़ता है। फिर कितना मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। आगे कह रहा है कि फिर वह दाई ओर मुड़कर, क्या मुड़ता है, दाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाई ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाई ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, तथा अंत में वह पुनः अपनी बाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो बताइए उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। देखिए हमने पिछली बार इसके पहले आपको क्या समझाया, देखिए एक सीधा क्वेश्चन होता है, सीधे में राइट लेफ्ट का क्वेश्चन होता है, और एक होता है कि उल्टा आपका क्वेश्चन होता है, जो नीचे से शुरू होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे व्यक्ति की दिशा नहीं दी गई है, लास्ट में वो बता रहा है कि व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, व्यक्ति कहाँ बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे व्यक्ति उत्तर पूर्व की बढ़ रहा है। सबसे नीचे लिख लीजिए आप उत्तर, और क्या लिख लीजिए, पूर्व लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 120 मीटर चलने के बाद वो पहले बार कहाँ जाता है, दाई जाता है, अर्थात राइट जाता है। फिर वो कहाँ जाता है, उसके बाद 60 मीटर चलने के बाद बाई ओर मुड़ता है, अर्थात एक बार लेफ्ट जाता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है, ठीक है, फिर वो कह रहा है 50 मीटर चलता है, फिर वह दाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर एक बार वो कहाँ जाता है, दाई ओर जाता है, दाई ओर जाता है, कहाँ कितना चलता है वो, दाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इसके बाद वो बाई ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, बाई ओर का मतलब हो गया आपका लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि अंत में वह पुनः अपनी बाई ओर मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ा था और फिर दोबारा कहाँ मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ता है। तो बताइए कि व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसी की हमें दिशा फाइंड करनी है, क्या करनी है, इसी की दिशा में फाइंड करनी है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप चाहे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखिए, नीचे से ऊपर लिखिए, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मार्क करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि अगर मैं एक कार्ड से एक लेफ्ट कार्ड दू, क्योंकि राइट का विपरीत हमेशा लेफ्ट होता है, तो यहाँ पर भी एक राइट से एक कट रहा है, तो जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है हमारा लेफ्ट बच रहा है, अर्थात ईयर बच रहा है, जिसके बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट बच रहा है। लेकिन हमने आपसे बताया था कि अगर सीधा क्वेश्चन होगा तो हमारा जो लेफ्ट दिया रहेगा हम उसी दिशा से उस व्यक्ति को क्या कर देंगे, लेफ्ट में घुमा देंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी कहा था अगर क्वेश्चन में अगर उल्टा पूछ रहा है, उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ, जो नीचे से क्वेश्चन दिया होगा उसे क्या करते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे, क्या कर देंगे, हम विपरीत कर देंगे। तो लेफ्ट का विपरीत क्या होगा, राइट होगा, राइट होगा, अर्थात क्या होगा, राइट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बार क्या करना है, राइट घुमाना है। वो था कहाँ व्यक्ति, व्यक्ति था उत्तर पूर्व में, व्यक्ति कहाँ था, उत्तर पूर्व में था, और वो हमें क्या कह रहा है कि एक बार हमें राइट घूमना है। तो राइट हमारा इधर तो होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा राइट होता है वो होता है घड़ी की दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज में होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो होता है बाईं ओर होता है, अर्थात उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो राइट ओर हमें कितना घूमना है, अगर एक आर दिया हुआ तो अर्थात 90 डिग्री घूमना है। तो यहां से अगर हम जाएंगे तो हम कहां जाएंगे, ये दक्षिण पूर्व पे जाएंगे, कहां जाएंगे, दक्षिण पूर्व पे जाएंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व के बाद अगर 90 घुमाएंगे, 45 पूर्व और फिर 45, 90 के बाद दक्षिण पूर्व, ठीक है। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, देखिए ये क्वेश्चन आपका दूसरे प्रकार का है, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है
इसमें आपका दूरी दिया हुआ है और दिशा भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको दिशा दिया हुआ है और कितना किलोमीटर चलता है वो दिया हुआ है, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपको, दूरी पूछ रहा है कितना दूरी पर वो, कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसे समझेंगे। देखिए वहां पे था तो हम क्या करते थे, दाई बाई लेफ्ट और राइट लिखते थे, लेफ्ट और राइट लिखकर हम क्या करते थे उसका दिशा मालूम कर लेते थे कि वो किस दिशा में है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिशा के साथ साथ हमें दूरी भी बतानी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दिशा के साथ साथ हमें उसकी दूरी भी बतानी है कि उसकी दूरी कितना है और दिशा कितनी है, ठीक है, दिशा कौन सी है, ठीक है, हमें ये भी बताना है। ठीक है, हमें दूरी दिशा बताना है, यहाँ पे दिशा भी लिख लीजिए कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है, तथा किस दिशा में है, किस दिशा में है, क्वेश्चन रह गया था अपना, ठीक है, कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, ठीक है। हम तो दिशा मालूम कर लेते थे दाई और बाई से, ठीक है, लेकिन हमें दूरी भी मालूम करनी है तो वो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। दूरी भी हमें अगर मालूम करनी है तो किस तरह मालूम करेंगे, तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप लोग इस तरह को, इस प्रकार के क्वेश्चन को दो प्रकार से आप लिख सकते हैं या लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो सकता है आप डायग्राम बना के लिख लगा लीजिए, और दूसरा हो सकता है आप इसको क्या कर लीजिए, आप उत्तर, उत्तर इसे यहाँ पे लिखिए जिसे लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है तो उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पे मान लीजिए पूरब लिखा हुआ है और यहाँ पे पूरब का विपरीत क्या होता है आपका, पश्चिम होता है, ठीक है। उत्तर का विपरीत यहाँ पर क्या होगा आपका, दक्षिण होगा, और पूरब का विपरीत यहाँ पर आपका पश्चिम होगा, ठीक है। यह क्या है इसका विपरीत है, विपरीत है, यहाँ पे क्या है इसका तो विपरीत है, ठीक है, यह विपरीत है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 मीटर चलता है, यहाँ पे आपका 20 मीटर चलता है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 30 किलोमीटर चलता है और यहाँ पे कोई आपका 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो यहाँ पे दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर क्या चलता है, 40 मीटर चलता है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर दक्षिण में अगर 40 है और अगर हमारे उत्तर में अगर 40 है, तो अगर ये दोनों वैल्यू दोनों जगह पे सेम सेम है, अगर कॉमन है दोनों जगह पे, तो हम इसका क्या कर देंगे, काट सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें अब ये ज्ञात करनी है कि दूरी कितनी है, ठीक है, तो इसको 30 में से 30 माइनस 10 कर, सॉरी 30 माइनस अगर हम 20 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका दूरी पता चल जाएगा कि वो कितने दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 30 में से अगर लास्ट में अगर 30 बचता है यहाँ पे और 20 बचता है दक्षिण पे, तो अगर हम 30 में से अगर 20 को घटा देते हैं, तो अगर उत्तर में से दक्षिण में इसकी वैल्यू को घटा देते हैं तो हमारा कितना आता है, 10 आता है, ठीक है। अगर यही कंडीशन अगर मान लीजिए पूरा और पश्चिम में, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू अगर सेम में है, कॉमन में है, तो हम क्या कर देंगे, आपस में काट देंगे, ठीक है, क्योंकि पश्चिम और पूरब एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 50 शेष बचता है, पश्चिम में 50 बचता है शेष, और यहाँ पे कितना बचता है 20, तो इसको हम काट कर इसका क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, कोई व्यक्ति है जो कितना चलेगा 30 किलोमीटर चलेगा। अगर अब बात आती है कि 30 किलोमीटर चलता है किस दिशा में चलता है, तो अगर हमें दिशा निकालनी होगी किसी भी क्वेश्चन में, अगर दिशा निकालनी है तो हम यह देखेंगे कि जिस दिशा की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी दिशा हम लिख लेंगे, वही दिशा होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरब और पश्चिम के बीच में किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आप कहोगे पश्चिम की, 50 ज्यादा, 50 है ना, तो यहाँ पे दिशा जो होगी पूरब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वैल्यू इसकी उत्तर की ज्यादा है 30 है, और यहाँ पे दक्षिण की 20 है, ज्यादा किसकी है, उत्तर की, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी दिशा उत्तर लिख देंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है और दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा होगी, ठीक है। इस तरह का हमें क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। और अगर मान लीजिए हमारा विपरीत ना हो,
मान लीजिए अगर हमारा विपरीत ना हो, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा विपरीत ना हो तो क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए हमारा विपरीत ना दिया हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे उत्तर हो गया पूरब, फिर दक्षिण, फिर आपका पश्चिम हो गया, ठीक है, इसका विपरीत यह होता है पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 20, ठीक है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या कह रहा है आपका मान लीजिए 20 दिया हुआ है, ठीक, और हमें इसका क्या ना दिया हो, विपरीत ना दिया हो, क्योंकि उत्तर विपरीत दक्षिण, इसे खाली कर दीजिए, इसे खाली कर दीजिए, इसे खाली कर दीजिए, इस पे कोई वैल्यू ना दिया हो, तब क्या करेंगे हम, ऐसे में क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, और इसको आपस में क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इन दोनों का क्या कर देंगे हम, इन दोनों में क्या कर देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में क्या कर देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 70 और 40 में क्या कर देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होता है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस धार का स्क्वायर, ये आपका लीजिए 70 उत्तर का हो जाएगा, 70 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4×16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, और क्या कर देंगे इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 16 और 49 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0, 0, 9, 6, 15, 5 हासिल है 1, 4, 1, 5 और 1, 6 65 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा किसी का वो वर्गमूल नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको 65 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है, तो अगर 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 और रूट में हमारा आ जाएगा 65, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10√65, ठीक है, अगर ये कब आएगा जब इसका विपरीत नहीं दिया रहेगा तब, ठीक है, अगर इसका विपरीत नहीं दिया रहेगा तब, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति के बजाय दो व्यक्ति दिया है तो हमें डायग्राम बनाना जरूरी होगा, और अगर एक ही व्यक्ति दिया हो डायग्राम बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम बहुत आसान ट्रिक से लगा देंगे उस सवाल को, देखिए यहाँ पे अब इसको रख पढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या है, एक प्रकार से एक हमारा तरीका है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए सोल्यूशन, देखिए हमें क्या कह रहा है कि पूजा, यहां पर लिख लीजिए पहले उत्तर पूरब फिर दक्षिण फिर लिख दीजिए पश्चिम, यहां पे देखेंगे तो हमारा इसका विपरीत ये है पूरब का पश्चिम और उत्तर का विपरीत हमारा दक्षिण है, ठीक है, उत्तर का विपरीत दक्षिण और पूरब का विपरीत हमारा पश्चिम है। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि पूजा पूरब दिशा में 50 किलोमीटर चलती है, पूजा कहाँ चलती है 50 किलोमीटर चलती है पूरब की ओर चलती है, ठीक है, उसके बाद बाई ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद 40 किलोमीटर फिर दाई की ओर मुड़कर चलती है, ठीक है फिर उसके बाद 40 किलोमीटर कहाँ मुड़ती है, वो मुड़ती है बाई ओर, अगर 40 किलोमीटर बाई मुड़ती है तो पूरब का बाया कौन सा है, इधर, इधर बाया है इधर दाया है, ठीक है, तो अगर पूरब के बाया मुड़ता है तो कितना किलोमीटर मिलता है 40 किलोमीटर, वो उत्तर की ओर चलती है बाएं का उत्तर, ठीक है, और फिर मुड़कर वो 20 किलोमीटर फिर दाएं ओर चलती है, यानी कि 20 किलोमीटर वो पूरब की ओर फिर चलती है, ठीक है, फिर कह रहा है कि दाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, अब पूरब का दाया हमारा दक्षिण की ओर इस तरफ है, ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या चलती है 40 किलोमीटर चलती है, ठीक, फिर कह रहा है फिर दाएं ओर मुड़कर वो 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दोबारा कितना मुड़ता है वो 10 किलोमीटर मुड़ती है और फिर चलती है, ठीक है, तो बताइए कि पूजा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया जितना किलोमीटर चलती है उतना हमने लिख लिया,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन अगर है तो कॉमन अगर है विपरीत में तो उसे हम काट देंगे, और कॉमन नहीं है तो उसे घटा देंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए उत्तर दक्षिण का क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पे 40 किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर भी 40 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया, यहाँ 20 दिया, यहाँ पे 10 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, तो 50 और 20 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, 70 कर देंगे। यहाँ पे 10 है, इस 10 वाले को यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 60 किलोमीटर आएगा। अब हमने आपसे बताया था कि ये तो हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई, 60 किलोमीटर हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई, 60 किलोमीटर हमारी क्या हो गई, ये हो गई दूरी हो गई। ठीक है, ये हमारी 60 किलोमीटर क्या हो गई, दूरी हो गई। और हमने आपसे बताया था कि अगर अगर हमें इसकी दिशा ज्ञात करनी होगी, अगर इस तरह के लॉजिक में अगर हमें दिशा ज्ञात करनी होगी, तो हम यह देखेंगे कि जिसकी अगर वैल्यू ज्यादा होगी, जिस जिस भी दिशा की वैल्यू ज्यादा होगी, उस वैल्यू को क्या कर देंगे, हम उसकी दिशा मान लेंगे। अगर देखिए यहां पे दो ही दिशा है, जैसे हमें उत्तर और दक्षिण से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पूरब का जो हमारी दिशा है विपरीत है वो पश्चिम है, पूरब की जो हमारी वो है अपोजिट हुआ है पश्चिम, और पश्चिम का अपोजिट हमारा पूरब है, तो पश्चिम में हमारा 10 किलोमीटर है और पूरब में हमारा अधिक कितना है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर है, लेकिन वो किस दिशा में, पूरब दिशा में, तो इसलिए हमारा जो दिशा ले जाएगा वो लिया जाएगा, वो पूरब दिशा ले जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, 60 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही दिशा उसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 60 किलोमीटर पूरब की ओर, 60 किलोमीटर ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, 60 किलोमीटर पूरब। ठीक है, ये तो हो गया वीआर डायग्राम के, अगर आप चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं डायग्राम की, ये तरीका आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए मेथड एक लिख लीजिए। ठीक है, ये तरीका है कि क्वेश्चन लगाने का। ठीक है, दिशा में आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप दूरी तो आसानी से निकाल लेंगे, अगर विपरीत में कॉमन है तो कॉमन कॉमन कट जाता है, जो बचता है विपरीत में उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, अगर दो पहले तो जोड़ देंगे, एक तो क्या करेंगे, एचडी से रखते रहेंगे, और उसके विपरीत में जो रखा रहेगा उसे ज्यादा में से कम को घटा देंगे, और इसका जो दिशा ज्ञात करना होगा तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही दिशा उसकी होगी। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और फिर सेकंड मेथड देखते हैं इसका। चलिए रफ करते हैं इसको, देखिए ये मान लीजिए कि हमें आंसर अभी इसका नहीं पता है, तो हमें क्या करना है, इसका आंसर मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन अब देखिए कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि पूजा, कह रहा है क्वेश्चन की पूजा पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। जो पूजा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है जो पूजा है, वो पूरब दिशा में चलती है, पूरब दिशा में चलती है 50 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 50 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाई ओर मुड़ जाती है, उसके बाद बाई ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है। अब बायां किधर होगा, अगर ये आपका पूरब है तो नीचे हो जाएगा आपका राइट और ऊपर हो जाएगा आपका लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, और कह रहे हैं बायां मुड़ रहा है तो बायां आप मुड़ दीजिए, बायां मुड़ रही है, कितना मुड़ रही है, 40 मुड़ रही है। ठीक है, 40 किलोमीटर मुड़ रही है, फिर दाई ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अगर दाया मुड़ रही है तो यानी कि उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर ऊपर की ओर है। अब कह रही है कि वो फिर दाई ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है, मान लीजिए यहाँ पे चलती है दाई ओर मुड़ती है, अर्थात पूरब की ओर फिर चलती है, कितनी चलती है वो, 20 किलोमीटर चलती है।
20 किलोमीटर चलती है। अब फिर कह रहा है कि फिर दाई ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, तो फिर दाई ओर मुड़कर कितनी चलती है, ठीक है 40 किलोमीटर चलती है। अब इसका दाया नीचे होगा ना, इसका दाया नीचे है, ठीक है ये दाई ओर 40 किलोमीटर चलती है। ठीक, अब फिर आगे कह रहे हैं कि फिर दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब दाई किधर हो जाएगा, अगर जो दक्षिण में जो दिशा होती है तो जो हमारा दाया होता है वो उसका बाया होता है, और जो हमारा बाया होता है वो उसका दाया होता है, अर्थात इधर हमारा जो हमारे हाथ का दाया है इधर इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, और जो हमारे हाथ का बाया है उधर ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक, इसमें नहीं अर्थात दक्षिण की ओर जाना है हमें लेफ्ट, ठीक है, इसमें इसमें अगर हमें जाना है 10 तो हमारा क्या होगा, 10 मीटर जाएंगे, ठीक है। हमें कह रहा है कि बाएं दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाना है, दक्षिण का दाया हमेशा अपोजिट होता है, जिधर जिस तरफ हमारा बाया रहता है, जिस तरफ हमारा दाया रहता है उस तरफ हमारा इसके इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा, और जिस तरफ हमारा बाया रहेगा उस तरफ इसमें दक्षिण में दाया रहेगा, ठीक। तो हमारा क्या कह रहा है, लास्ट में 40 किलोमीटर के बाद कहां चलती है वो, मुड़कर दाई ओर 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर आगे। अब बताइए आप, ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि पूजा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, पूजा जो है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। हमें इससे मतलब नहीं कि वो पहले 50 गई, फिर 40 गई, फिर 20 गई, फिर 40 गई, फिर 10 गई, टोटल करके हमें लिखना है, ये हमें लिखना नहीं है। पूजा इस समय हमारा यहाँ पे है, कहाँ पे है पूजा, यहाँ पे है लास्ट छोर पे, यहाँ पे है पूजा, ठीक है, यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है। और हम बता रहा है वो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 20 है, ये इतना 10 है, तो यहाँ पे इतना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 10 मिला के तभी तो 20 है ये, ठीक है, कह रहा है कि ये 20 है, तो बताए प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो दूरी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए दूरी हो जाएगी 50 ये है और 10 ये है, पूजा है कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, तो 50 और 10 कितने हो गए, 60 हो गए, 60 किलोमीटर हो गए। अब बात आती है दिशा की, दिशा क्या आती है, तो देखिए हमारी ये जो पूजा है इस समय, देखिए जो पूजा है ये कहां गई, दक्षिण से हम किधर की ओर गई है, दाएं की ओर, और दाएं और हमारा क्या है, हमारा है पूरब, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके 60 किलोमीटर पूरब हो जाएगा, 60 किलोमीटर पूरब हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, 60 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर पूरब की ओर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद।